Open call 9109-333-333. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। हर किसी का सपना होता है उसके सिर पर छत हो, उसका अपना आशियाना हो। सोचिए जरा, अपनी गाढ़ी कमाई से कोई प्लॉट खरीदे लेकिन कई साल बाद उसे ये पता चले कि ये जमीन उसकी है ही नहीं, तो यकीनन किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर आप भी प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो ये खुलासा जरूर देखिए, ये संगीन इल्जाम जरूर सुनिए, कहीं ऐसा ना हो आपके सपने जमींदोज हो जाए। भोपाल में 50 परिवार ठगी का शिकार हुए हैं। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि बिल्डर ने किया है उनके साथ धोखा। देखिए, अलर्ट करती ये खास खबर, सपनों का जालसाज कौन? प्लॉट खरीदने से पहले सावधान। आशियाने का सपना रह न जाए अधूरा। भोपाल में बिल्डर का फ्रॉड। पचास परिवार परेशान, जाएं तो जाएं कहां? उनका कहना ये है कि मैं प्लाट दे चुका हूं, मैं कुछ इसके बारे में नहीं जानता हूं, ना मैं पैसा दूंगा ना मैं प्लाट दूंगा। रिटायर्ड पुलिसकर्मी रिटायर्ड फौजियों के साथ ठगी। फालतू का घुमा फिरा करके ये लोगों को बरगला रहे हैं। इसमें करीब 40-50 आदमी फंसा हुआ है, जो कि ज्यादा करके इसमें फौजी, पुलिस रिटायर और सिविल भी हैं। आपका भी ऐसा ही कुछ विवाद है, आप कहां कहां तक शिकायतें कर चुके हैं? हमने सुना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायत नहीं है, लेकिन कहीं कुछ आपको आश्वासन मिला? कुछ नहीं, सब जगह से साइन करके रिसीव मिल जाता है, चलो जो होगा होएगा, देखा जाएगा, करा देंगे। कुछ मतलब ऐसा नहीं कि हम इसको करवा देंगे कि आपके इसमें हो जाएगा। मतलब लाखों रुपए फंसाने के बाद भी इतना समय लगने आपके पास कुछ नहीं है, कुछ उम्मीद नहीं, मतलब कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है कहीं से। फरियादी दफ्तर के काट रहे चक्कर। मिलने के बाद तो मिलता है, बातचीत करेगा, बस करवा देंगे, कर देंगे, कहीं नहीं जाएगा। वो हमारा इसमें बंटवारा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे कर करके करता है वो, बस उसके बाद से कुछ नहीं। डेट दे देंगे, 15 दिन बात कर देंगे, कोई कुछ नहीं करते। कागज में हेराफेरी का आरोप। सपनों का जालसाज कौन? बिल्डरों का विवाद, धोखाधड़ी का शिकार। इस समय हम मौजूद हैं उस विवादित जगह पर जहां पर सेना और पुलिस से रिटायर्ड लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई से कई सारे प्लॉट्स खरीदे थे। उनके दोस्तों ने भी यहां प्लॉट खरीदे थे, लगभग 40 से 50 लोगों ने यहां प्लॉट खरीदे, लेकिन ये लोग अब तक मकान नहीं बना पाए हैं क्योंकि दो बिल्डर्स के बीच का जो विवाद है, पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर जो विवाद है, उसके चलते इनका मामला फंसा हुआ है। और कब मिलेगा इंसाफ? परिवारों ने भोपाल के भैंसाखेड़ी इलाके में प्लॉट खरीदा, किसी ने 10 साल पहले, किसी ने 9 साल पहले, अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए। जब ये परिवार प्लॉट पर निर्माण करवाना शुरू करते हैं तो इनके निर्माण को तोड़ दिया जाता है। 10 साल बाद उन्हें यह पता चला कि जो प्लॉट बिल्डर से उन्होंने खरीदा वो उनका है ही नहीं। पीड़ित परिवार बिल्डर पर मनमानी, ठगी का आरोप लगा रहे हैं। आरोप कागज में हेरफेर का भी है। सुनिए इन पीड़ितों का दर्द। यही वो जमीन है जिस जमीन पर ना जाने इन परिवारों ने कितने सपने बोए थे। एक अदद घर का सपना, तिनका तिनका जोड़ के आशियाना बनाने का ख्वाब, रिटायरमेंट के बाद मिली मेहनत की गाढ़ी कमाई से प्लॉट खरीदा था कि सुकून से जिंदगी बिताएंगे, लेकिन इन परिवारों का चैन और सुकून ही छीन लिया गया।
आशियाने का ये सपना ताश के पत्तों के महल की तरह ही बिखर गया। भोपाल के बैरागढ़ के भैंसाखेड़ी में सपनों में सेंधमारी की जो कहानी सामने आई है, आइए पहले आपको इन परिवारों का दर्द सुनाते हैं जो धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। कि ज्ञान चंदानी से मैंने 2013 में मार्च में ये रजिस्ट्री कराई थी उनसे। पीछे पिल्लर भी और दीवार भी थी, जो कि बल्लू द्वारा सीमा के सक्सेना के जो टेक ओवर है ना, उन्होंने JVC लगवा के इन्होंने पूरी दीवार और पिल्लर गिरवा दिए हैं। और मैंने ज्ञान चंदानी से बोला कि भाई ये आपसे प्लाट मैंने लिए थे, इसमें ये कार्रवाई हो गई हैगी, ओ आप आइए। तो उन्होंने उनका कहना ये है कि मैं प्लाट दे चुका हूँ, मैं कुछ इसके बारे में नहीं जानता हूँ, ना मैं पैसा दूंगा ना मैं प्लाट दूंगा। TI साहब से भी मिले हैं, TI साहब का कहना ये है कि ये सोनकिया जी SDM का काम है, ये मेरा काम नहीं है। जो लोग धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं उनमें रिटायर्ड पुलिसकर्मी और रिटायर्ड फौजी भी शामिल हैं। किसी ने 10 साल पहले प्लॉट खरीदा तो किसी ने 9 साल पहले। अपने खरीदे गए प्लॉट पर जब घर बनाने का इन लोगों ने सोचा तो इनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जब फरियादियों को कहा गया कि प्लॉट पर आपका कब्जा है ही नहीं, ये जमीन तो किसी और की है, सुनिए इन आरोपों को। सर, हम 2-3 लोगों ने मिलकर के यहाँ पर वो जो शीशम का पेड़ दिख रहा है वो हमारे प्लाट में खड़ा हुआ है। सब JCB मशीन लगा करके प्लाट पूरे गिरवा दिया। मैंने कन्हैयालाल ज्ञान चंदानी से संपर्क किया कि हमारे प्लाटों को कब्जा हटा दिया गया है, आप क्या कहते हैं? तो वो बोले कि मैंने तो आपको कब्जा दे दिया था, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। 420 किया है कन्हैयालाल ज्ञान चंदानी ने, दूसरे की जमीन में हम लोगों को प्लाटिंग करके दे दिया, ये जमीन उनके नाम से नहीं है। फालतू का घुमा फिरा करके ये लोगों को बरगला रहे हैं, इसमें करीब 40-50 आदमी फंसा हुआ है, जो कि ज्यादा करके इसमें फौजी, पुलिस रिटायर और सिविल भी हैं। अब पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। फरियादियों के मुताबिक 10 साल पहले बिल्डर कन्हैया लाल ज्ञान चंदानी ने प्लॉटिंग की थी। पुलिस और आर्मी से रिटायर्ड तकरीबन 50 अन्य लोगों को प्लॉट बेच दिए, रजिस्ट्री हुई, नामांतरण भी, लेकिन फरवरी में जो हकीकत सामने आई वो होश उड़ाने वाली थी। कुछ लोगों ने मकान बनाने की कोशिश की तो उनके निर्माण को ही हटा दिया गया। फरियादियों को कहा गया कि ये जमीन जिस बिल्डर ने बेची है उसकी है ही नहीं, सुनिए आरोप। सब जगह से साइन करके रिसीव मिल जाता है, चलो जो होगा होएगा, देखा जाएगा, करा देंगे। कुछ मतलब ऐसा नहीं कि हम इसको करवा देंगे कि आपके इसमें। बल्लू करके एक व्यक्ति आया, सीमा सेना का केयरटेकर, वो बोला अनु भाई ये गलत जगह बना हुआ है, आपके ऊपर 250 की कार्रवाई करूंगा। तो मैंने लगा क्यों करोगे भैया, तो जब उन्होंने पेपर मेरे को पूरा दिखाया तो एक्चुअल सीमा सक्सेना की जगह है ये पूरी, पेपर जो मैंने देखा रजिस्ट्री नामांतरण सब कुछ। फिर उसके बाद मैंने ज्ञान चंदानी ने आपको ये जगह क्या बता के बेची थी? उसने बोला अपनी है, यहाँ पे फोटो खिंचवाया था। फिर मेरे 2013-14 में जब रजिस्ट्री हुई थी तो 32 नंबर जो प्लाट उसने अपने हिसाब से नक्शा काटा था, वही नक्शे पे मैं अपना मकान बनाया। पीड़ितों का आरोप है कि करीब 50 लोगों को लगभग 5 करोड़ रुपए में 60 से ज्यादा प्लॉट बेचे गए थे। न्यूज 18 की टीम ने जब मौके पर जाकर देखा तो मकान बनाने के लिए तैयार किए गए पिलर और बाउंड्री वॉल के कुछ टूटे फूटे अवशेष दिखाई दिए। इस समय हम मौजूद हैं उस विवादित जगह पर जहां पर सेना और पुलिस से रिटायर्ड लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई से कई सारे प्लॉट्स खरीदे थे। उनके दोस्तों ने भी यहाँ प्लॉट खरीदे थे, लगभग 40 से 50 लोगों ने यहाँ प्लॉट खरीदे, लेकिन ये लोग अब तक मकान नहीं बना पाए हैं क्योंकि दो बिल्डर्स के बीच का जो विवाद है, पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर जो विवाद है, उसके चलते इनका मामला फंसा हुआ है। और जब भी ये मकान बनाने की कोशिश करते हैं तो उनके मकानों को या तो डिमोलिश कर दिया जाता है या उन्हें तोड़ने की धमकी दी जाती है। आप यहाँ मेरे सामने देख रहे होंगे कुछ पिलर्स खड़े हुए हैं, यहाँ कुछ बाउंड्रीज भी बनी थी, मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं, लेकिन जैसे ही इन लोगों ने मकान बनाने की कोशिश की बिल्डर्स द्वारा JCB लगाकर इन्हें तोड़ दिया गया। और अपनी गाड़ी कमाई इसमें फंसा चुके लोग अब तक इस वजह से परेशान हैं कि आखिर उन्हें न्याय कब मिलेगा, आखिर घर बनाने का सपना कैसे और कब होगा पूरा। भोपाल से रमाकांत दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंसाफ तो छोड़िए, दफ्तरों के चक्कर काट काट कर फरियादियों की चप्पल तक खिस गई, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला तो सिर्फ आश्वासन, कोरा आश्वासन। आखिर धोखाधड़ी के इन इल्जामों का सच क्या है? पीड़ित आरोप लगा रहे हैं यह है ठगी का प्लॉट। इधर बिल्डर का कहना है कि प्लॉट्स का बटान गलत हो गया है, जिसमें सुधार के लिए SDM के यहां मामला पेंडिंग है, जिसमें सुधार होते ही सभी लोगों को प्लॉट आवंटित कर दिए जाएंगे।
इन दस्तावेजों के जरिए पीड़ित परिवार अपना दर्द बयां कर रहा है। प्लॉट के कागजात दिखाए जा रहे हैं, जिनके नाम रजिस्ट्री हुई, नामांतरण भी, नक्शा भी तैयार है, लेकिन पीड़ित परिवारों का आरोप है कि बिल्डर कन्हैयालाल ज्ञानचंदानी ने कागजों में हेरफेर किया। बिल्डर ने लोगों को जमीन दिखाने के बाद उनसे पैसे लेकर कागजों में हेरफेर की और खसरा नंबर बदलकर नामांतरण करा दिया। सुनिए पीड़ितों के आरोप। यहाँ से न थाने से आश्वासन न मिला है, ना SDM कार्यालय से आश्वासन मिला, तहसीलदार से भी मिला हूँ, पटवारी से मिला हूँ, लेकिन किसी ने मुझे ये आश्वासन नहीं दिया कि मैं नाप तौल को आपको जमीन दिलवा दूंगा। किसी पे वो जाने ज्ञान कन्हैयालाल ज्ञानचंदानी जाने, उन्होंने रजिस्ट्री कराई, जबकि रजिस्ट्री भी है, नामांतरण भी है, सब कुछ है। जब भी मैं मकान बनाने जाता हूँ तब भी ये हमारा रोक लगाते हैं। पीड़ितों के मुताबिक साई फार्म नाम की इस कॉलोनी की जमीन बिल्डर कन्हैयालाल ज्ञानचंदानी ने अमित कीमती नाम के शख्स से खरीदी थी, जिसमें सीमा सक्सेना भी पार्टनर थी। इस जमीन पर बिल्डर ज्ञानचंदानी ने 2013-14 के दौरान प्लॉटिंग की, लोगों को कब्जा दिया और नामांतरण भी हो गया, लेकिन गलत खसरा नंबर की जमीन खरीदने वाले लोग ठगी का शिकार हो गए और आज भी अपनी गाढ़ी कमाई से अपने परिवार के लिए एक अदद आशियाना बनाने से महरूम है। कुछ नहीं, सब जगह से साइन करके रिसीव मिल जाता है, चलो जो होगा होएगा, देखा जाएगा, करा देंगे। कुछ मतलब ऐसा नहीं कि हम इसको करवा देंगे कि आपके इसमें हो जाएगा। अब फरियादी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं पीड़ित। अपनी समस्या को लेकर पटवारी, तहसीलदार, SDM से लेकर राजनेताओं तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, कोई फौजी परेशान नहीं होगा, मैं अभी SDM को जानकारी लेके और उसका समाधान कराते हैं। इस मामले में कलेक्टर ने SDM बैरागढ़ को निर्देश देने और पूरे मामले की जांच कराने के साथ पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही है। आपके द्वारा मुझे ये जो दो बिल्डर के बीच विवाद में जो कुछ जिन्होंने प्लॉट खरीदे उन्हें परेशानी की बात है, तो मैं अभी SDM आदित्य जैन को निर्देशित करूंगा कि इस पूरे इशू का अवलोकन करें और जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो निकालें। क्या बिल्डरों के विवाद में अधूरा रह जाएगा आशियाने का सपना? सवाल ये भी है कि आखिर सपनों का जालसाज कौन? भोपाल में रमाकांत दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जालसाज कौन, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। रमाकांत दुबे, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, भोपाल से हमारे साथ इसी खबर पर बातचीत करने के लिए लाइव भी जुड़ गए हैं। रमाकांत, बड़ी बात यहां पर यह है कि बिल्डर भले ही ये कह रहा हो कि गलती हुई है, गलती सुधार ली जाएगी, लेकिन ठगे तो ये परिवार गए हैं ना, जिन्होंने मेहनत की कमाई लगाकर आशियाना खरीदा था लेकिन आशियाना बना नहीं पा रहे। जी, हमारे साथ वो पीड़ित लोग भी मौजूद हैं जिनको लगातार बिल्डर से मिलने के बाद इसी तरह के आश्वासन मिले हैं, लेकिन अब तक इन्हें अपनी ज़मीन पर मकान बनाने की परमिशन नहीं मिल पाई है। मैं आपकी ऐसे ही कुछ लोगों से बात कराने की कोशिश करता हूं कि आखिर वो किस तरह से और क्यों परेशान है इन वजहों से। मेरा प्लाट नंबर 9 है ज्ञानचंदानी जी के साई कॉलोनी में। मेरा नाम है सुरेश उपाध्याय, जो कि 12 साल पहले लिया हुआ था। अभी वहाँ कोई आता पता नहीं है और दूसरे ने कब्जा कर रखा है और ज्ञानचंदानी जी उसे टरका रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम सबकी ज़मीन, जितने प्लाट हैं वो हमें मिल जाए और उसका डाइवर्सन और सब चीज़ करवा के दें। बोलिए दूबी जी, आपने सुना कि एक पीड़ित हैं जो बता रहे हैं कि वो कई बार गुहार लगा चुके हैं लेकिन उन्हें कोई भी सॉल्यूशन अपनी समस्या का नहीं दिखाई देता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं आपकी बात कराने की कोशिश करता हूं उन लोगों से कि आखिर उन्हें लंबे समय से किस तरह की परेशानी आ रही है। मेरा नाम है रामविलास दुबे। पहली बात तो यह है कि 7 फरवरी को ये 2024 में इन्होंने, जब बबलू ने हमारे ये प्लाटों के दीवारें और पिल्लर तोड़े थे, तो मैंने ज्ञानचंदानी को बुलाया था, तो ज्ञानचंदानी एकदम मुकर गए कि भाई हमने प्लाट दे दिए हैं, अब हम कुछ नहीं दे सकते हैं, ना पैसा दे सकते हैं। उसमें क्या है, मेरी बेटी के भी का नाम प्लाट हैं और मेरे भी प्लाट हैं, और कई बार आश्वासन दिया है, कई बार आश्वासन, सारे आश्वासन बेसफल गए हैं, किसी तरह का निराकरण नहीं निकल रहा है। और अनूप जी को लिखित में दिया है उन्होंने कि 24 तारीख तक का, लेकिन उसमें भी विफल हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बेईमानी के उसमें उतारू हैं। अब ये आश्वासन देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हमारा 5,000 स्क्वायर पर फिट है,
ये बिल्कुल देने को तैयार नहीं है। और हम कई शासन प्रशासन को भी बोल चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन भी नींद मारे सो रही है कि वहाँ दरखास्त लगा रखा। उसके बाद में भी है कि थाने में गए हैं, थाने का TI नहीं सुन रहा है, SDM नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, CM तक लोग आवेदन दे चुके हैं, उसके बाद भी शासन प्रशासन सोए हुए है। एक और पीड़ित हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी आपकी बात कराने की कोशिश करता हूं कि आखिर उनकी भी क्या समस्या है, क्या परेशानी है, क्यों इतने दिनों से वो अपने ही आशियाने के सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी साहब, मैं सुभाष शर्मा, हमारा भी इसमें 4 प्लाट है, 3-4 जने हम लोग मिल के लिए और वो आश्वासन दिए थे कि जब एक साथ रहोगे तो डिस्काउंट करके दे देंगे, ऐसे करके दे दिए। उसके बाद से ना रोड निकाल रहे थे ना रास्ता दे रहे थे, बोलते बोलते जब थक गए तो बाद में पता चला कि ये तो दूसरे की ज़मीन पे फ़ोटो खिंचवा दिए, दूसरे का ज़मीन है, वो आके बाद में कब्जा कर लिया 10 साल के बाद। ये बोल रहे हैं कि हमारा बटान नहीं है तो क्या नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है हमारा है, ये बोल रहा है कि ठीक है हम करके देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, अब खाली आश्वासन देते हैं, करते तो कुछ नहीं है। ऐसे ही कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी, मेरा नाम रिटायर्ड सूबेदार नरेश पाल, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूं। मैंने 2014 में अपने 3 साथियों के साथ में 5 प्लाट खरीदे थे जिनका एरिया 74 स्क्वायर फीट है और उसका नामांतरण भी हो गया था। उसके बाद कन्हैयालाल ज्ञानचंदानी जी ने मुझे अपना हमारा कब्जा जो दिया वो दूसरे की ज़मीन में दे दिया और उस पर हम अपना पिल्लर और तार सब लगा करके कब्जा करके रखे हुए थे। इसी साल 7 फरवरी 2024 को जिसकी ज़मीन थी उनका, उस शख्स का नाम है सीमा सक्सेना, जो कायस्थपुरा भोपाल में रहती हैं, और उनके मैनेजर बल्लू ने आकर के हमारा कब्जा हटा दिया और वहाँ पर JCB मशीन चलवा दिया। मैंने कन्हैयालाल ज्ञानचंदानी जी से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं आपको प्लाट दूंगा, लेकिन आज तक इतने दिन हो गया प्लाट नहीं देते, उनकी शिकायत की जाती है तो धमकी भी दे रहे हैं, बोलते हैं कि हमारा भाई कांग्रेस का नेता है, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पिताजी जो हैं वो भी हमारे कांग्रेसी नेता थे और हमारी हैसियत को तुम समझते नहीं हो, और सब जब थाने में जाते हैं तो उनके जो है भाई हैं वो भी आकर के वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और धमका देते हैं, पुलिस भी वहाँ पर शांत हो जाती है और SDM के साथ में भी वही व्यवहार करते हैं। जी, जी। तो इन्हें प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन मिल रहा है रमाकांत, जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिए, जब शिकायत लेकर ये पहुंचे हैं सरकारी दफ्तर तो वहां क्या कहा जा रहा है? क्या आश्वासन दिए जाते हैं जब आप सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायत लेकर? कुछ आश्वासन नहीं, खाली रिसीविंग मेरे पास सबकी रखी हुई है, कहीं से मेरी कोई सुनवाई नहीं, खाली बस रामेश्वर शर्मा जी के पास एक बार गया था तो उन्होंने क्या नाम एक पेपर में लिख के दिया था SDM को, तो SDM साहब ने बोला कि इसके ऊपर कार्रवाई करो, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। मैं मुख्यमंत्री तक हुआ हूँ, बाहर तक लेटर भेज चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, जितने बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग हैं सबके पास जा चुका हूँ, महाश्री शिवराज मामा के पास गया, मोहन यादव जी के पास गया, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, खाली वो सब रिसीविंग रखी है। जी, सुना आपने कि ये बता रहे हैं कि ये प्रशासन के अफसरों से लेकर SDM ऑफिस और CM ऑफिस तक जा चुके हैं और रिसीविंग भी हासिल कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई है। लगभग कितने ऐसे परिवार हैं और क्या अब इन्होंने क्या सोचा है कि आगे क्या रास्ता अपनाएंगे, क्या अदालत जाएंगे? आगे के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या इस बारे में आप कोर्ट का रुख करेंगे? जी हाँ, कोर्ट का रुख करेंगे, अगर हमारा कोई निर्णय नहीं हुआ तो हम फिर कोर्ट में अपना केस दायर करेंगे। आप भी कोर्ट जाने के लिए तैयार? जी सर, मैं अपने देश के हर कानूनी व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से अपनी गुहार लगाऊंगा और मेरे साथ अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मेरा तो विश्वास इस कानूनी व्यवस्था से उठ जाएगा और मुझे देश की जितनी भी IPC की धाराएं उससे विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि जो आज धाराएं बनी हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होता है, हर जगह घूसखोर बैठा हुआ है और मजाक बनाते हैं पीड़ितों के लोग, इसलिए मैं तो हर जगह तो लगाऊंगा अपनी गुहार। देखिए, ये हमारे साथ थे आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार हैं और ये किस तरह से अपना दर्द बयां कर रहे हैं ये आप देख ही रहे होंगे। बिल्कुल, और इन परिवारों ने अपने सपनों का घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदा था लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। बहुत धन्यवाद रमाकांत आपका।